शायद लोगों को पता भी नहीं है जो आप सपना देख रहे हैं वो क्या होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नई उड़ान को आप लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं और इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, एजुकेशन को लेकर, कोर्स की प्रिपरेशन को लेकर। अब हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली एजुकेशनल पॉडकास्ट, जिसमें हम अलग अलग कम्युनिटी को लेकर या फिर उस कम्युनिटी से आए हुए लोगों को लेकर, उसमें से एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज के पहले एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं शेर शाह आबादी कम्युनिटी से। इस कम्युनिटी के बारे में अगर आप नहीं जानते, थोड़ा गूगल कीजिए, मैं बहुत ब्रीफ बताने की कोशिश करूँगा आपको। ये बेसिकली इनका जो एक रूट कॉज है, फिर ग्रास रूट है, वो शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ है। और ये इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर सीमांचल के एरिया में पाया जाता है, स्पेशली कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, इन इलाकों में। और जो फाइनेंशियली पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट अब हैं, लेकिन अभी भी इनमें एजुकेशन की बहुत कमी है। इस समाज में लड़कियां क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं या फिर लड़कियों को हम एजुकेशन में कैसे आगे ला सकते हैं, इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। इसी कम्युनिटी की एक लड़की से हम जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन तमाम जो बाउंडेशन है या फिर एक कह लें जो एक परंपरा है, जो नहीं पढ़ाना है, फिर चाइल्ड मैरिज है, सबको तोड़कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर जामिया में आके पढ़ाई कर रही हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से, ये बताइए। मेरा नाम नाजिया है और मैं पूर्णिया जिले से हूँ, बिहार से, और मेरा गांव का नाम है जियागाछी। और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? शेर शाह आबादी है, पूरा कम्युनिटी आपका। ओके, सो अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आप? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी बीए ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर रही हूँ, और मैं अभी, मुझे हॉस्टल मिल गया तो मैं भी हॉस्टल। ओके, सो जामिया कैसा लग रहा है आपको? लगभग पिछले एक डेढ़ महीने से क्लासेस चल रही हैं आराम से, कैसे लग रहा है जामिया? जामिया तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक एक नई जगह है, नया माहौल है, लोग बहुत अच्छे हैं, इंटरेक्शन कर रही हूँ अभी तो। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो हूँ लेकिन इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों के साथ में रहेंगे तो शायद सारी चीज़ें सीख जाएंगे। नाजिया, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा, स्पेशली जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वहाँ पर एजुकेशन की इतनी अहमियत नहीं होती है, और शायद आपकी उम्र की कोई लड़कियाँ खाली नहीं होती, मतलब शादी हो चुकी होती है, क्या बच्चे हैं? आप आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं और आप भी एक मतलब चाइल्ड मैरिज के सेक्शन में ना फंस के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँच पाए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने गाँव में से सबसे पहली लड़की हूँ जो CBSE से क्लास 10th किया और फिर 12th मैंने अलीगढ़ से करा, और ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब गांव में तो देखा जाए तो सब लोग की शादी मेरी उम्र तक तो हो ही जाती है। मेरी कुछ दोस्त हैं जो लाइक मैं जब मदरसे जाया करती थी तो उस वक्त तक, अभी तो देखा जाए तो सबकी शादी हो चुकी है और सबकी लाइक। आप कैसे बच के यहाँ तक पहुँच पाए? क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, और मेरे जो भाई हैं, मेरे तीन भाई हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरी बहन जो है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई के लिए, उन्हीं का हाथ है कि यहाँ तक। तो अगर हम आपकी कम्युनिटी की बात करें, स्पेशली शेर शाह आबादी कम्युनिटी की, तो क्या मेन वजह होती हैं जो लड़कों को, तो हम शायद में रखते थोड़ा लड़कियों को, लड़कियों में बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, क्या वजह है खास? अगर पढ़ाई पढ़ाते तो है, उस अपने माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं कि उसे एजुकेशन दे, लेकिन सबसे पहली बात तो होती है कि स्कूल नहीं होती उसके जगह, और जो माँ बाप होते हैं ना वो सबसे पहले इस चीज़ प्रेफर करते हैं मदरसे को, और जो महाद होती है वो सारी चीज़ों को, तो वहीं तक बच्चों को पढ़ा के फिर क्या वजह होती है जो स्कूल की तरफ ना भेजकर महाद और मदरसे की तरफ भेजते हैं? क्या लगता है उनको? उन लोग को माहौल का भी डर होता है क्या? मतलब का बोलिए आप, का बोलिए। जी, सबसे पहली बात तो माहौल का डर होता है, क्योंकि आप इतने बड़े शहर में सबसे पहले माँ बाप सोचते हैं कि कैसे रहेगी, क्या करेगी, मे बी ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा ही होती है कि कैसा माहौल होगा, किन के साथ रहेंगी, पहली चीज़ तो अवेयरनेस का इशू है, क्योंकि फाइनेंशियल तो आजकल तो ऐसे लोग सबके पास तो पैसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस जो है वो सबसे मेन है कि लाइक लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्कूल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, ये सब चीज़ों के पास तक लाइक गाँव के लोगों को नहीं पता है। आपने कहा आपके गाँव में जो सहेलियाँ वगैरह थी उनकी शादी हो चुकी, तो उनमें और आप में अगर फ़र्क अभी देखें बेसिक, क्या क्या फ़र्क है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं और वो शादी कर चुकी हैं? इससे मेरी फैमिली बैकग्राउंड पे ही, अगर उस उन लोग की फैमिली बैकग्राउंड देखे जाए तो उनके पापा जो है फार्मर ही है बेसिकली, या तो फिर
कहीं मुंबई में जाके जॉब करते हैं या सऊदी में जाके जॉब करते हैं, लेकिन मेरे पापा जो थे वो एक टीचर थे और प्लस केमिस्ट भी थे। अच्छा। तो फाइनेंशियल भी अच्छी है तो उन्होंने चाहा कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ, तो इसीलिए। अगर एक लड़की पढ़ती है तो क्या उसका कुछ आगे फ़ायदा हो सकता है, क्या लगता है? हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अप्पी जो है वो BUMS कंप्लीट कर चुकी है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ देखना चाहिए लोगों को कि अगर पढ़ाई करेंगे तो इंडिपेंडेंट तो ज़रूर बनेंगे। और उसके अलावा अगर कुछ देखा जाए तो इंशाल्लाह मैं भी इंडिपेंडेंट बनूंगी। सोसाइटी में जो ये बीमारी है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बिकॉज आप उस कम्युनिटी से होने के बावजूद आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा, आप जामिया में पढ़ाई कर रहे हो, आप तो ऐसे आप जो उस समाज के लोग हैं या फिर पेरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, जो लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या लगता है आपको? लड़कियों को क्यों पढ़ाना? सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे आओगे तभी पता चलेगा, क्योंकि हम जो है ना बहुत से छोटे जगह में वहीं पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शादी हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, एक्सप्लोर नहीं करना। हाँ, एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पे आओ तो पता चलता है मतलब रियलिटी वर्ल्ड क्या है। वो उन्हें भी ये भी नहीं पता होगा कि बिहार क्या है, इंडिया क्या है, और उन्हें तो अपने बारे में अपने बारे में भी नहीं पता है। तो वो चीज़ें कि अगर हम जैसे हमें हमने बहुत कुछ कर लिया, अगर हम उनके लिए कुछ करें, अवेयरनेस लाएँ, लाइक ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को बताएं कि अभी जो लोग देख रहे हैं आपको, बहुत ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो शेरशाहवादी हैं, आपके कम्युनिटी के लोग हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप उस कम्युनिटी से होने के बाद यहाँ अगर हैं तो उनको डर सताती है वो जाके कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या करे, क्या लगता है इन चीज़ों से कैसे बाहर आए हो और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहे? सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंट, वो अगर आप में है तो आप पूरी दुनिया को ट्रैवल कर सकते हो और कहीं पे भी बस सकते हो। अभी कभी आपको ये फेस करना पड़ा जो आप यहाँ पे हैं तो आपको रहने की दिक्कत हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है, आपको कैंपस आने में दिक्कत हो रही है, कभी ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? जामिया तो प्रोवाइड कर रही है हॉस्टल, जब नहीं थी तो प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन आपको एक टाइम के बाद तो हॉस्टल मिल ही जाएगी। वो तो आप किस तरह का, क्या अनसिक्योर वाला प्रॉब्लम या फिर क्या? अनसिक्योर तो नहीं, लेकिन सेफ है ना? सेफ है, 100% सेफ है ना? क्योंकि लोगों को यही दिक्कत होती है जब मेरी बच्ची जाके सेफ है कि नहीं है, वही चीज़। बाकी कुछ अंकल्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, उन वो अपने बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या क्या बताना चाहेंगे उनको आप? यही कि सब लोगों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो मेन ही चीज़ है जिससे आप अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आप लाइक ज़िंदगी क्यों जीना चाहते हैं। इसके अलावा कि अगर बात करें, जैसे आप ये पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी ऐसा हो रहा है गांव से या फिर आपके एरिया से कोई बच्ची आपको फ़ोन कर रहा हो, फिर कोई पेरेंट्स आपको फ़ोन कर रहा हो जो मैं भी अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा? जी जी बिल्कुल, कल ही मुझे एक मेरे ही गाँव से मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता क्योंकि मैं गाँव में नहीं रही हूँ, तो उन्होंने बताया, फिर मुझे अच्छा लगा कि उनकी बेटी और बेटे दोनों आए हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रखूँ, कौन से ट्यूशन में डालूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको यहाँ जामिया या अलीगढ़ में कहीं पे भी आना तो इंट्रेंस के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसे क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको, अगर आपके बच्चे अगर कुछ सीखे ही नहीं तो फिर कैसे इंटर हो सकते हैं, उसके लिए आप माँ बाप जो है वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाओ, जो भी आप जितना कुछ जानते हो अपने बच्चों को सिखाओ, तो ही फिर कुछ हो सकते हैं। शायद अगर वो पढ़ लिख ले वो लड़की तो शायद आगे कई जनरेशन को पढ़ा सकते हैं। जी अगर आप मदरसे या जहीं पे कुछ भी पढ़ाओ तो उससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, ग्राउंड लेवल में तो कुछ तो सीख जाए, ऐसा नहीं है जी। तो आपका क्या ड्रीम है, आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँचे क्या बनना चाह रहे हैं? जी मैं तो IFS बनना चाहती हूँ, इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब UPSC क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं जी। शायद लोगों को पता भी नहीं है जो आप सपना देख रहे हैं वो क्या होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दुआ करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत आगे जाए, और जिस कम्युनिटी से आते हैं आप वहाँ से आके इतना अगर आप बड़ा ख्वाब देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप अपने मकसद में कामयाब और बहुत आगे जाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू।